फिर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं, हाँ देखिए उठो भाई उठो, थोड़ा कैमरा घुमा देना उधर, उठो। चलिए ये 6 शब्द हैं, ये 6 कैसे बताएंगे? अगले बैच के सारे बच्चे आपको देखेंगे कि आप हीरो इस बैच के, आप ही थे। ठीक है, तैयार हो? थोड़ा चेहरा ठीक कर लो क्या पता प्रस्ताव आ जाए कहीं से। चलो सुनो, पहला शब्द है व्यथित, दुखी, जो बहुत दुखी है। दुखी होना नहीं, व्यथित मतलब दुखी, जो व्यथित है यानी कि वो दुखी है। ठीक है, पहला तो ठीक निकल गया, आपको लग रहा है कि मैंने हाथ क्यों नहीं खड़ा किया, किया था, कोई बात नहीं। दूसरा है आप्लावित कैमरा ध्यान से बोलो, बावलापन, उतावलापन, आप्लावित। मैं लिख देता हूं ताकि बाकी लोग समझ जाए कौन सा शब्द है। ये कह रहे हैं कि आप्लावित का मतलब है उतावलापन। ठीक है, मैं गलत नहीं कहूंगा पर सही भी नहीं है, तो कुछ कुछ ग्रे एरिया जैसा बन गया, ठीक के आसपास है, एग्जैक्ट नहीं है। तीसरा है निषिद्ध, मैं लिख से रहा हूं कि जिनको नहीं पता वो नोट कर लें और अपनी भाषा को थोड़ा सा बेहतर बनाएं। निषिद्ध है जिसे सिद्ध ना किया जा सके। अब बैठ ही जाओ, कहीं से ज्ञान प्राप्त हुआ? ईमानदारी से बताओ, गीता पे हाथ रख के बताओ। अब ये मत कहना गीता कौन है, गीता पुस्तक की बात चल रही है ना, आपने खुद बताया या आसपास से कोई सहायता पहुंची है? मुझे यहां से सहायता दिख रही है पहुंचती हुई, आपको वहां से नहीं पता लगा? ये अच्छे दोस्त हैं आपके जो आसपास बैठे हैं, दोस्त का धर्म ही होता है। तो जो साथ वाले भैया वो उठ जाए जरा एक बार जो सहायता दे रहे थे वो उठ जाए, टोपी वाले भैया उठो ना, आप ही थे ना, कौन था बताओ? आप थे, उठ जाओ आप थे। अच्छा चलो अब बैठ जाइए, कैमरा वहीं रखना भाई निषिद्ध समझ में आ रहा आपको? बताइए। इसीलिए कहते हैं कि चीटिंग करो, पहले देख लो किसी चीटिंग करनी है, बैठो। लेकिन पहले गलत क्यों बोला? आ गया भावावेग में निकल गया, कोई बात नहीं। निषिद्ध का मतलब वर्जित, जो करना, जो निषेधित हो, जिसे करने का निषेध हो वो निषिद्ध है, वर्जित। चौथा है विभ्रांति, विभ्रांति। मेरी नजर आसपास वालों पे, आप पे नहीं है। विभ्रांति मतलब भ्रांति, भ्रांति की डिग्री बढ़ जाती है। भ्रांति मतलब भ्रम, जिसको लेकर गलत धारणा हो, या गलत धारणा जो है उसको बोलते हैं विभ्रांति। इसके बाद एक शब्द है तल्ख, तल्ख, इसमें तो बिंदी भी आएगी नीचे। हाँ तीखा, एकदम ठीक है, तल्ख यानी तीखा, आमतौर पर जुबान के लिए होते हैं। आपकी जुबान बहुत तल्ख है, बहुत कड़वी जुबान है, हरी मिर्च का उत्पादन करो इस भाव से। अगला तो पता ही होगा, अस्पृश्यता, पेपर आउट हो गया है अस्पृश्यता क्या है? अस्पृश्यता, स्पृश्य मतलब छूने योग्य, किसी को छूने योग्य नहीं मानना, ये अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी। ठीक है, चलिए बैठिए, बहुत बढ़िया। आप्लावित का मतलब हुआ किसी भाव का इतना उमड़ना कि वो अनकंट्रोलेबल हो जाए। ये उतावलापन से इसलिए अलग है क्योंकि वो भाव नेगेटिव भी हो सकता है, वो भाव शांत बनाने वाला भी हो सकता है, कि वह दुख से इतना आप्लावित है कि हिल ही नहीं पा रहा, जड़ हो गया। तो उतावलापन किसी किसी भाव में तो समानार्थक हो जाएगा, हमेशा समानार्थक नहीं होगा। तो आप्लावित का मतलब, जैसे पानी आपने बोतल में भरा, भरते गए भरते गए भरते गए, फिर पानी बाहर गिरने लगा, ये आप्लावन है। आप्लावन का सिद्धांत तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, वही तो आप्लावन, और क्या आप्लावन है, वही आप्लावित हो गया। आप्लावन का सिद्धांत सीधा ना, यूरेका यूरेका वाला, वही वही सिद्धांत है।